हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। चलिए बात अब रादौर की करते हैं, जहां पर अवैध माइनिंग और ओवरलोडिंग के चल रहे खेल पर रादौर से विधायक बिशनलाल सैनी ने चुप्पी तोड़ते हुए जिले के अधिकारियों के ऊपर जो है ये सारा का सारा ठीकरा फोड़ दिया है। सैनी ने कहा कि गृहमंत्री के आते ही माफिया अपने वाहन हटा लेते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद फिर से अवैध खनन क्यों शुरू हो जाता है। जानकारी दे दें कि अवैध माइनिंग और ओवरलोडिंग को लेकर हरियाणा न्यूज ने खबर चलाई थी, जिसका खुद सीएम ने संज्ञान लिया था। उधर बिशनलाल सैनी ने सरकार के पेंशन बढ़ाने के फैसले पर चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार की सहयोगी पार्टी जेजेपी ने जनता को 5100 रुपए पेंशन देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद महज 250 रुपए बढ़ाकर वाहवाही लूट रहे हैं। संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं कुलदीप। कुलदीप, लगातार ओवरलोडिंग का या फिर अवैध खनन का, अवैध माइनिंग का मसला सामने आ रहा है, और आप खुद विधायक जी कह रहे हैं कि अधिकारी ही इन सबके कर्ता धर्ता हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने? बिल्कुल, देखिए जो स्थानीय विधायक है अपना कांग्रेस के किशनलाल सैनी, उनके द्वारा भी ये सीधा आरोप जो है अधिकारियों पर लगाया गया है कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग का जो खेल चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं अधिकारी ही संलिप्त हैं। उन्होंने एक उदाहरण भी इस पर दिया कि उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले यहाँ पर जो गृह मंत्री है अनिल विज यहाँ पर आए थे रादौर क्षेत्र में, तो उसके बाद जो है उनके आगमन से पहले ही जो है 2 दिन तक जो है ओवरलोड पर पूरी तरह से अंकुश रहा और अवैध खनन पर भी अंकुश रहा। तो इसका उन्होंने कहा कि सीधा असर जो है ये साफ कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की इसमें संलिप्तता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वो इस मामले को लेकर चुप नहीं बैठेंगे और इसको लेकर जो है वो विधानसभा का जो सत्र है आगामी, उसमें भी इस मामले को जरूर उठाएंगे। जी, इसके अलावा भी कई और मुद्दों पर वो सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए कुलदीप। बिल्कुल, देखिए उन्होंने एक निशाना जो है साधा है, क्योंकि अभी नए साल के अवसर पर जो है जो सर्वप्रदेश सरकार द्वारा पेंशन बढ़ोतरी की गई है, उसमें जो है उन्होंने जो है सरकार को जो है आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार ने जो है 250 रुपए की सिर्फ मात्र बढ़ोतरी की है पेंशन में, ये जो है पेंशनधारी हैं उनके साथ जो है ये मात्र छलावा है, क्योंकि जो सरकार के साथ सहयोगी पार्टी है उनके जो मुखिया हैं उन्होंने ये कहा था, उप मुख्यमंत्री है जो उन्होंने ये कहा था कि जो है 5100 हम पेंशन करेंगे हमारी सरकार बनने पर, लेकिन अब मात्र क्योंकि सरकार उन्होंने कहा कि पहले ही 200 रुपए पर साल बढ़ाती रही है पीछे भी भाजपा सरकार, लेकिन अब सिर्फ मात्र 50 रुपए ही सरकार द्वारा जो है बढ़ोतरी की गई है, और वो बढ़ोतरी उन्होंने ये भी कहा कि 50 रुपए की बढ़ोतरी पर जो है जो डिप्टी सीएम है जो 5100 रुपए की बात करते थे वो 50 रुपए की बढ़ोतरी पर किस प्रकार राजी हुए, वो भी उनको उन्होंने इस पर भी निशाना साधा। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रादौर में जब विधायक साहब पहुंचते हैं तो खासतौर पर जो अवैध माइनिंग और ओवरलोडिंग का मसला है उस पर वो अधिकारियों पर ही ठीकरा फोड़ देते हैं।